हाँ भाई तो दोस्तों साइकिल बाबा की विश्व यात्रा में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम हैं अभी मसाद, जो कि एक हिस्टोरिकल और रिलीजियस सिटी है ईरान की, और ईरान में आपका दोबारा से स्वागत है 2018 के बाद। ईरान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको अपना फ़ोन बचा के रखना पड़ेगा। लास्ट टाइम आए थे हमने अपना फ़ोन यहाँ पे गिफ्ट कर दिया था छीन के लेके भाग गया था, और वही प्रॉब्लम इस बार भी आई। तो इस बार वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पहले से। पहले आया था जब तोमान का रेट कुछ लाख था, अब मिलियंस में चला गया है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। इस वजह से लोग जो है थोड़ा सा गरीबी आ गई है, और इंटरनेशनल मार्केट में जब से सैंक्शन लगे हैं ईरान पे, ईरान की हालत धीरे धीरे ख़राब होती ही जा रही है यार। कुछ 5-स्टार होटल्स हैं यहाँ पे, और सुपर मार्केट से हम जा रहे हैं सेराइन की तरफ। दोपहर का 1 बजा है और बाज़ार अभी चहल पहल खूब हो गई है। हम जो है सेराइन के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं, सामने आपको दिखनी शुरू होगी होगी, सामने एक बाज़ार है, इस बाज़ार की तरफ चलते हैं हम। और बाज़ार के अंदर ये एक देसी ढाबा भी है, तो इंडियन ढाबा है, कोई इंडियन पाकिस्तानी, तो उसमें भी चलते हैं। 2-3 दिन हो गए कुछ खाया नहीं इंडियन, तो आज मौका मिला है तो चलते हैं अंदर भाई, और वहाँ पे कोई ना कोई मिले भी गा, उनसे वार्तालाप भी करते हैं। बेसमेंट में है भाई ढाबा भी। कैसे हैं? तो अब हम जा रहे हैं बाज़ार की तरफ भाई। हैं और ये कितने बाज़ार हैं यहाँ पे? काफ़ी बाज़ार है मैंने सुना है। हाँ, ये पूरा यहाँ से लेके कोने तक तकरीबन 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर का बाज़ार है। हाँ। और 6 बाज़ार हैं टोटल मशहद में है। बाज़ार को बाज़ार ही बोलते हैं, और पर्शियन में भी ये बाज़ार की एंट्री है। बाहर तो ठंडी है, और बाज़ार के अंदर जो है हीटर वीटर लगे हुए हैं, सब बढ़िया बना रखा है यार। ये ऊपर से ढका हुआ बाज़ार, सारा कवर्ड बाज़ार, पूरा कवर्ड बाज़ार है, और ये सब 100-100 साल पुराने बाज़ार है सारा। ईरान का सबसे फेमस है सैफरॉन। ये सब ये ईरानी, ये गुलाब है, ईरानी चाय में डाल के पीते हैं। अच्छा, इसको चाय में डाल के पीते हैं, वो बेर है। और ये क्या है? ये भी एक टाइप की शुगर है जो चाय के साथ पीते हैं। अच्छा, और ये बाकी सब शुगर है, ये सब चाय के साथ इस्तेमाल होते हैं। अच्छा अच्छा, कैंडी जबरदस्त है यार। और ये अनारदाना, ये है ज़िरिश, अनारदाना नहीं, ये किशमिश है खट्टी वाली, और ये सारे इनके अचार हैं, जैसे अपने अचार होते हैं, ये इनके अचार हैं, खट्टे होते हैं सारे। सब खट्टे होते हैं, सब अनार में बनाए हुए हैं, आम में, जाम में। अच्छा। सब अलग अलग फ्लेवर्स। ये भी अचार है, ये भी। और ये जैसे हमारे यहाँ इमली होती है खट्टी खट्टी मीठी, वैसी। और ये क्या है? ये किशमिश है खट्टी वाली, हाँ इसको खट्टी बनाते हैं। थैंक यू सो मच। रिश्तेदार नगर, अच्छा गाना गा रहे हैं। रिश्तेदार नगर, थैंक यू सो मच। में लोग बॉलीवुड के दीवाने हैं। अरे पागल हैं, मतलब आपको सिर्फ शाहरुख खान का नाम लेना है, बाकी सब अपना काम हो जाएगा जी। तो ये चाय के लिए मिक्स बना के रखते हैं ये सब, ये पैकिंग जो है चाय में डाल के, चाय में थोड़ी थोड़ी डाल के यूज कर लेते हैं। ये तो काफी लंबा है, बस ऐसे ही चलता रहेगा। बस आपको मैंने बोला ना 2 किलोमीटर, बस ऐसे ही चलता रहेगा, सारी शॉपिंग की दुकानें हैं। और मैं देख रहा था कि जैसे उधर जब आप सऊदी साइड में होते हो तो ये नग वग पहनने का इतना क्रेज नहीं है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पे ये नीचे वाला आपको शॉपिंग वाला है, ऊपर जितने मिलेंगे सिर्फ ये जेमस्टोन्स। अच्छा, ये सारी दुकानें हैं यहाँ? पहले नीचे घूम लें फिर ऊपर जाएंगे। अच्छा। सारी नगीन की दुकानें, पत्थरे मतलब एमराल्ड, नीलम। अच्छा। चांदी में, गोल्ड में, यहाँ पे बहुत शौकीन है, मेल भी और फीमेल, मेल भी, फीमेल सब। परफ्यूम, ये परफ्यूम, कपड़ों में, कपड़ों यहाँ जितनी शॉपिंग होती है मुझे नहीं लगता कहीं और होती है, शॉपिंग के दीवाने हैं यहाँ। और ये सब पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, पहले से, इनका कल्चर चेंज नहीं हुआ, हमारे मुकाबले में बहुत बहुत लाइट होते हैं इनके मसाले। हाँ, हमारे मसाले स्ट्रॉन्ग यहाँ पे। ना वो तो क्या बेच रहा है, वो सब चिपकाने में लगे हुए हैं कुछ जैसे ही फॉरेनर देखेंगे वो
अपना बिजनेस करना चाहते हैं बस। देखो वो नेचुरल है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, वो तो अरे फॉरेनर आया कुछ तो खरीद के जाएगा। खरीद के जाएगा। हाँ भाई मजा आता है यहाँ पे जब गली में से निकल के इंडियन को देख चुके हैं। यहाँ पे हर दिन कम से कम एक ईरानी एवरेज में 10-15 कप चाय पीता ही पीता है। उसके साथ उसको चॉकलेट चाहिए, उसके साथ उसको बादाम चाहिए, कुछ ना कुछ साथ में होता ही। अच्छा वो खाली चाय नहीं पीता? खाली चाय नहीं पीता। क्योंकि उनकी चाय इतनी प्लेन करते हैं। ज़ाफ़रान ये खाने में यूज़ करते हैं, चाय में यूज़ करते हैं। अच्छा चाय में भी डालते हैं? चाय में भी डालते हैं। तो जो ईरानी चाय होती है उसमें ज़ाफ़रान होता है? ज़ाफ़रान। तो उसकी वजह से वो कलर रेड कलर है उसका, ब्लैक इसका मतलब। हाँ खाने में, हर खाने में डालते हैं हर। और इनकी जितने भी ग्रेवी होती है उसमें भी ज़ाफ़रान इस्तेमाल होता ही होता है। अच्छा तभी ये ज़ाफ़रान जैसे लाल लाल है। लाल खट्टा मीठा खाना बहुत पसंद है इनके। जितने भी ग्रेवी या आप इनका चावल भी देखें उसमें भी थोड़ी सी किशमिश ये मिक्स हुई होती है। और इंटरनेट सस्ता है यहाँ पे? बहुत, मतलब हम लोगों को सस्ता लगता है। हमारे लिए बहुत, इंडिया के लिए बहुत सस्ता है। 25 रुपये में इंडिया के 15 GB इंटरनेट आ जाता है। अच्छा। और यहाँ पे कोई ट्रेडमार्क और पेटेंट तो इसका प्रॉब्लम नहीं है। आपको हर कंपनी यहाँ मिल जाएगी, नाइकी, पुमा, सब ईरान की लोकल। वो लेक्सस दिखा है तो वो सब चाइना से बनवाते हैं? नहीं, आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग खुद बनाते हैं। चलो ऊपर स्टोन्स है, उनकी दुकानें हैं सब। और ये बाजार कितना पुराना होगा भाई? ये कम से कम 100 से 150 साल पुराना बाजार है। 100 से 150 साल पुराना बना हुआ है? बना हुआ यार उस टाइम में और अब के ईरान में काफ़ी दिन रात का है। आप बता रहे थे कब तक ये तोमान और इसका रेट बराबर था? 2018 तक इंडिया के जितने भी लोग आते थे उनके लिए बहुत अच्छा था ईरान, बिजनेस के लिए, जॉब्स के लिए। डॉक्टर्स बहुत थे, बहुत फार्मासिस्ट बहुत काम किए यहाँ पे। जैसे ही 2018 में ये ट्रंप गवर्नमेंट ने ईरान पे सैंक्शंस लगाए, फिर यहाँ का डॉलर रेट ऊपर नीचे होने लगा, करेंसी गिर गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, तब जितने भी मोस्टली इंडियंस थे वो ईरान माइग्रेट कर गए, सऊदी, कुवैत, कतर। कितना एक तोमान का कितना डॉलर? एक डॉलर अभी 50,000 तोमान आता है। 50,000 या 5 लाख? एक डॉलर 50,000 तोमान। एक डॉलर 50,000? हाँ, तो आप इन्फ्लेशन सोच लें, एक डॉलर एक तुमान से एक डॉलर 50,000 तुमान तक पहुंच गया। अरे बाप रे। तो ऑलमोस्ट 700% इनका इन्फ्लेशन ये 5 साल में इन्होंने देखा। यहाँ पे फिरूजा तो ईरान का पत्थर है, फेमस है, पूरी दुनिया में ईरान से एक्सपोर्ट होता है फिरूजा। फिरूजा हाँ। वो ये है ना फिरूजा जो जिसका सलमान खान ब्रेसलेट डाल के रखा? वही वही वही। उसकी माइनिंग ईरान में, सिर्फ ईरान में होती है और कहीं नहीं मिलता है। ये जितना भी एमराल्ड, टोपाज, ओपाल, रूबी, येलो सफ़ैर, ब्लू सफ़ैर जितना भी आता है मोस्टली ये जयपुर से आता है। जयपुर में होलसेल बाज़ार है, जयपुर इंडिया का हब है। इंडियंस आते हैं यहाँ पे, अपना बिजनेस यहाँ पे सेल करते हैं। फिरोज़ा कौन सा है? फिरोज़ा ये निशापुर का फिरोज़ा है। यहाँ पे दो टाइप का फिरोज़ा आता है, फिरोज़ा निशापुर, फिरोज़ा खिरमा। ये फिरोज़ा निशापुर है, ये महंगा वाला है। अच्छा अच्छा। और ये पर्ल्स ये भी लिया जाता है चाइना, इंडिया, लेकिन मोस्टली इसको इंडियंस ही लेके आके यहाँ पे, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा वो ही करते हैं, इंडियंस के हाथ में 80% और ये सारा माल यहीं बिकता है, फिर यहाँ से भी एक्सपोर्ट हो जाता है आगे। ये 50% यहाँ पे लोग खरीदते हैं, बहुत दीवाने हैं पत्थर के, रिंग्स के। ये फिरोजे की रिंग्स हैं, ये निशापुर का फिरोज़ा। ये तकरीबन एक रिंग आपको 5,000-10,000 रुपीज़ में मिलेगी, क्योंकि फिरोज़ा क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। और कई कभी कभी फिरोज़े की रिंग्स $1,000 $2,000 तक भी हो जाती हैं। थैंक यू सो मच भाई। आपके मतलब मेरे को तो इतना पता नहीं था, आपने जिस हिसाब से नॉलेज दिया ना, इट्स रियली काबिल तारीफ है यार। और भाई हैं बेंगलोर से जी, तो मैं पिछले 2-3 घंटे से हम बैठे बैठे वार्तालाप कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा, पूरी डिटेल्स मैंने, पूरी हिस्ट्री इनसे जानी है। 6 साल से यहीं पे हैं। मेरे को लग रहा था डर सा कि भाई मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक नए देश में आके थोड़ा सा टाइम लगता है और जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हों वहाँ पे, तो
पर लोग बड़े फैमिली मतलब बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। सो गाइस हम आ गए हैं सरैन के अंदर में, तो पूरी डिटेल जो है इस जगह की भाई साहब बताने वाले हैं, तो आप पूरा डिटेल बताएंगे ना हमें। तो मुझे ABC नहीं पता है, पहली बात बता दूं, लास्ट टाइम जब मैं ईरान आया था तो मैं इस जगह पे आ नहीं पाया था। तो मसद की सबसे खूबसूरत रिलीजियस होलिस्टिक प्लेस पे अब हम आए हैं, तो भाई बताइएगा, मैं ये लगा दूँ आपके जी। एंटर करते सबसे पहले शिव रैक बनाया हुआ है, आपको तो कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, बस ग्लासेस का जो काम हुआ है ना समझ ही नहीं पाओगे। अब हम कौन सी जगह हैं, क्या है सब जी? ये हम हैं मशहद में, मशहद ईरान, इसको मशहद मुकद्दस भी बोलते हैं। यहाँ हम बैठे हैं इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के श्राइन में। ये इमाम अली के जनरेशन में हैं और ये शिया के 8वें इमाम हैं, और ये यहाँ की उनकी कब्र है जो बहुत बहुत ही होली प्लेस मानी जाती है। और शिया जहाँ जहाँ है, शिया सुन्नी जो भी हो, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग यहाँ से यहाँ आते हैं ज़ियारत के लिए। इनको लोग बहुत मानते हैं। ये ईरान का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा श्राइन है, और ये तकरीबन 250 एकड़ का में पूरा ये श्राइन, 250 एकड़ में श्राइन है। सारे शिया सारी दुनिया से तकरीबन हर साल 30 मिलियन लोग आते हैं सिर्फ इनके ज़ियारत के लिए, अपनी जो भी है मन्नत दुआ मांगे और ज़ियारत कर पाएँ। ये एक ही इमाम है जो ईरान में दफन हुआ है, बाकी सब इराक और सऊदी मक्का मदीना में दफन है। और इनकी बहन भी है जो ईरान में दूसरे शहर कुम में दफन हुई है। अच्छा, वो भी एक अच्छा जी जी, वो भी होली साइट है, होली श्राइन है, वहाँ भी बहुत लोग जाते हैं। इमाम अली रज़ा को गरीबुल गुरबा भी कहा जाता है, जिसका मतलब है परदेश में अकेले होना। तो ये सबसे अलग अकेले यहाँ पे आए हैं और इनकी यहाँ पे शहादत हो गई है। तो शहादत कैसे होगी इनकी? जी, इनको जहर दिया गया था और अपने ही ससुर ने इनको जहर दे के यहाँ पे इनकी शहादत हो गई। जो भी आर्ट वर्क देख रहे हैं सारा हैंडमेड, एक एक पीस हाथों से बनाई गई है, और इसमें बनाने में बहुत साल लगे हैं। बाहर जितनी भी ठंडी हो सारा कवर्ड है, अंदर हीटर लगाए हुए हैं। यहाँ पे सीटिंग एरियाज है, नमाज के लिए जगह है, लाइब्रेरीज हैं। यहाँ पे आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो हॉस्पिटल बना हुआ है। ईरान जो है यहाँ पे मेजॉरिटी शिया मुस्लिम है, यहाँ की गवर्नमेंट और लोग भी मेजॉरिटी में शिया ही हैं। यहाँ पे ओपन माइंडेड लोग हैं, फ्रेंडली वेलकमिंग और बहुत काइंड लोग हैं। तो यहाँ पे कोई भी हो शिया सुन्नी हिंदू क्रिश्चियन, यहाँ पे फ़र्क नहीं है। मैंने अंदर तक जाके आया हूँ, मेरे को कभी किसी ने रोका नहीं। अभी सच्ची बताऊँ भाई, मेरे को रिलीजन के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, तो नमाज का पढ़ने का तरीका मुझे टोटली अलग लगा, आसान नहीं है। तो ये जो एक वो रखा हुआ होता है क्या? जी जी, इसको हम बोलते हैं खाके शिफा। शिफा यानी जो आपको ठीक कर दे। खाक यानी मट्टी, ये करबला से लाई जाती है। जो शिया मुस्लिम होते हैं वो नीचे रख के जब सजदा करते हैं नमाज में उस पर सजदा करते हैं, ये हमारे में बिलीव है। और सीधा माथा नहीं टेकते, उस पर माथा टेकते हैं। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे लोग हाथ खुले रख के नमाज पढ़ते हैं। जी, ये शिया की नमाज़ पढ़ने का तरीका है कि वो आप शायद फिल्मों में इसमें देखा होगा कि लोग हाथ बांध के नमाज़ पढ़ते हैं, शिया हाथ खोल के नमाज पढ़ते। अजान में भी सिर्फ हम 3 बार ही हमारी अजान होती है, और सुबह फजर की, फिर जोहर असर एक साथ होती है, फिर मगरिब इशा एक साथ। थैंक यू यार, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अरे बस आप आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब जहाँ पे हम खड़े हैं इसके नीचे 7 लेन का हाईवे है, पूरे मशहद का सबसे बड़ा हाईवे श्राइन के नीचे से जाता है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो श्राइन की फाउंडेशन है, श्राइन की तरफ से खाना मिलता है,
हर दिन तकरीबन 25,000 से 50,000 लोगों के लिए खाना यहाँ पे लंगर लगता है। लोग आते हैं और लोग टोकन लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं 1 दिन 4 दिन 5 दिन और वो जाके लंगर में खाना खा के माया। तो ये भाई मिले कैसे हैं? कैसे? बिल्कुल बढ़िया। हे थैंक यू। ये ईरानियन भाई है। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? माय नेम इज महमूद। महमूद, नाइस टू मीट यू। और बहुत ज़बरदस्त बंदा है, वो इंडिया आ रहा है तो अभी जयपुर आने वाला है। हैदर, कैसे भाई? तो ये भाई और अभी कैसे भाई? तो भाई सब बैठे थे, वार्तालाप चली, तो ईरान के बारे में बहुत सारी स्टोरियाँ सुनी और तभी भाई आए महमूद। तो ये कुछ बहुत सारे शब्द जो ऐसे में क्या मतलब, ये तो वैसे नग है जो डालते हैं हम अंगूठी में ना, रिंग में या फिर ब्रेसलेट में, जो लोगों की एंट्री रहती है ना, जो जेलस फील करते हैं उनको एब्जॉर्ब कर। ओके, तो ये यहाँ पे यहीं का होता है क्या भाई? हाँ, यही से ओरिजिनली निशापुर और किरमान का होता है। निशापुर और किरमान का होता है। किरमान कहाँ पे है? मिडल में पड़ता है ना? हाँ, मिडल मिडल में, मिडल ऑफ। ये प्लीज़ आप इतना लीजिए भाई से। मैंने रिक्वेस्ट करी कि कुछ डॉलर भी चेंज करके दे दो, तो उन्होंने डॉलर भी चेंज कर दिया मेरे। एकमात्र मेरे ख्याल में जो इस एरिया में और स्पेशली सरायन के पास में इकलौता इंडियन फूड है, कभी भी आप आओ तो। पूरे मसद में एक ही है। पूरा नाम क्या है, कौन सा एरिया में, थोड़ा बता दो। ये बाजार रजा, बाजार रजा में है। पलकिया, पलकिया में। तो ये इंडियन रेस्टोरेंट है, पूरे मसद में एक इंडियन रेस्टोरेंट है। तो कभी भी आओ यहाँ पे, स्पेशली हमारे जो सिया लोग आते हैं इंडिया से टूर ट्रैवलिंग के लिए, वो लोग यहाँ विजिट कर सकते हैं और अपना इंडियन फूड भी का स्वाद चख सकते हैं।